हेलो नरबीर, ये नपड़े से नपड़े से क्या होते हैं? ये करके मेरी भी बहुत लेनी देनी करी जा रही है, सब मेरी बजा रहे हैं। तो मैं क्या करूं, तेरे कारण मेरी भी बच रही है। पर तूने तो करण जोहर अंकल को सेटिस्फाई किया था ना? सेटिस्फाई किया था? राजा राजा राजा, दैट्स माय पोजीशन रणवीर। अरे मतलब अपने एक्टिंग के थ्रू? हाँ तो ऐसे बोलना। हाँ, वही वही तो, तेरी क्यों लेनी देनी हो रही है? अरे मैंने तेको कहा था कि गली बॉय को एक अवार्ड दिला दे, बट तूने क्या किया? अरे ये मेरे दिमाग से निकल गया था, तुम मेरा आईक्यू का पता ही है। मैंने मैंने एक अवार्ड की जगह अवार्ड वांग चनी करा लिया। तो सारे मिल के हमको पागल बना रहे हैं। तो कैसे हैं आप लोग? अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। नहीं नहीं हम खैनी मराठी की नकल नहीं कर रहे हैं। सोचा रोस्ट वीडियो शुरू करने से पहले हम अपने बाबा जी का नाम ले ले, तो शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। नहीं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पढ़ने से। जी हाँ, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो अब हम पढ़ेंगे सोनम कपूर जी का ट्वीट। Today on the Father's Day, I'd like to say one more thing. Yes, I am my father's daughter and I'm here because of him. And yes, I'm privileged. That's not an insult. My father has worked very hard to give me all of this. And it's my karma. Where I am born and to whom I'm born, I'm proud. अच्छा, तो ये बोल रही है अपने पापा की बेटी है। पापा की परी हूँ मैं। तो भाई तुम हो, हमने मान लिया, ओके? और अब बात आई प्रिविलेज की। अगर तुम इतने प्रिविलेज हो तो अपनी प्रिविलेज अपने पास रखो। अगर थोड़ा सा भी भगवान ने दी हो तो जरा उपयोग करो। दूसरों स्ट्रगलर्स के आड़े मत आओ, क्योंकि तुम्हारी प्रिविलेज उनका करियर बर्बाद कर रही है। ठीक है ना? ठीक है, ठीक कहा है, ठीक है। और दूसरी बात, सोनम कपूर जी का कर्मा के बारे में बोलना इज लाइक राहुल गांधी का पार्लियामेंट। मैं आपका नहीं हूँ, मैं सब कुछ जानता नहीं हूँ, सब कुछ समझता नहीं हूँ। वाह गाइस, सबसे पहले तो स्लो डांस, ये टैलेंट है हमारे बॉलीवुड का। मैं एक्चुअली मेरे टांग को मेरे नोज तक टच कर सकती हूँ। देखो इन्हें, ये है ओस की बूंदे, पत्तों की गोद में आसमां से कूदे, अंगड़ाई ले फिर। ये तो टट्टी है। वाह वाह, मैं तो प्रसन्न ही हो गई। हम लोग इस टैलेंट को देखने के लिए हमारे इतने पैसे फिजूल में खर्च रहे थे। पैसा बर्बाद। ठीक, इस और पैसे वाले तो जानती है कि ये टैलेंट दिखाने के लिए इन्होंने इतना स्ट्रगल करा है, Arjun, you are the grandson of producer Surinder Kapoor, son of producer Boni Kapoor and entrepreneur Mona Shuri Kapoor, cousin of actor Sonam Kapoor, nephew of TV tycoon Sandeep Marwa, nephew of actor Anil Kapoor. Tell me, was it tough to get into Bollywood for you, huh? Was it tough? Did you have any fucking connections? You self-made man. अरे भाई, तुम भी जानते हो कि तुम्हारी मूवीज कहाँ है और रियल लाइफ स्ट्रगलर्स की मूवी कहाँ है, तो बंद करो ना अपना ड्रामा। ठीक है, क्यों हमको दिखा के इतना ऐसे सोच रहे हो कि हम खुश हो जाएंगे? Stop it. Get some help. वैसे सोनम कपूर जी, आपको एक बात बोलती हूँ, थैंक यू सो मच हमारे $1 बिलियन बचाने के लिए अपनी मूवी ना रिलीज करके। थैंक यू सो मच फॉर दैट। बात करते हैं हम बॉलीवुड के अवार्ड शोज की। अवार्ड फंक्शंस एक नंबर के फ्रॉड हैं, आप लोग भी मत देखा करो। घूमती हुई आलिया भट्ट, स्ट्रगल करती हुई अनन्या पांडे, 13 बार अपने सपने पूरे करते हुए सिद्धांत चतुर्वेदी। अब इनमें ये नहीं पता चलता कि अवार्ड जूरी दे रही है या बिक के दे रही है, ठीक
भी ये जानते हैं कि हमारी जो जूरी है उसके मेंबर कौन है? हमारे चाचा जी। और चाचा जी तो अपने बच्चों को ही खिलाएंगे पिलाएंगे और पढ़ाएंगे। तो स्टार किड है क्योंकि चाचा जी का तो काम ही यही है, ऐसे वो बोलते हैं। चाचा जी अब ना सुते जाओ पानी तो। रुको जरा, सबर करो। अच्छा अच्छा तो फिर आप क्या लेंगे पीने में? I'll have coffee. अरे भैया कॉफी की बात मत करो, तुम्हारे साथ कॉफी पीना मतलब पड़ी लकड़ी अंदर लेना। म्यूजिक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल पूर्वान्य व्लॉग्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।